चाहूंगी कि जिस वजह से रेबीज का लोगों में मिथ है कि अगर डॉग ने हमें लिक कर लिया या स्क्रैच कर लिया तो हमें ना इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या हमें वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, बट इट इज़ अ टोटल मिथ। अगर आपको डॉग ने हल्का सा भी ओपन एरिया में लिक किया है या अगर उसको स्क्रैच किया है तो प्लीज़ आप अपना रेबीज का वैक्सीनेशन टाइमली कराएं ताकि हम रेबीज को कंट्रोल कर सकें। साथ ही मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी सभी लोगों से कि जो अपने आसपास के एरिया में डॉग्स को फीड करते हैं या उनकी केयर करते हैं उनको हर साल एक रिकॉर्ड मेंटेन करें और हर साल उनका वैक्सीनेशन ध्यान से कराएं, याद रखकर कराएं, ताकि हम लोग डॉग्स की भी जो डेथ रेबीज की वजह से हो रही है, जो रेबीज इंसानों में फैल रहा है डॉग्स या दूसरे एनिमल्स के थ्रू, उसको हम रोक पाए। संडे को हम विजिट कर लेंगे बिल्कुल सर एरिया। आपने तो रेबीज का, हाँ बिल्कुल, सरकार की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी है कि अगर आपको किसी स्ट्रीट डॉग ने या चाहे किसी के पेट ने भी अगर आपको बाइट कर लिया है या स्क्रैच कर लिया है और जो ओपन वुंड है तो हमें सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रेबीज की फैसिलिटी अवेलेबल है। और साथ ही हम ये भी अवेयर करना चाह रहे हैं कि अपने स्ट्रीट में जितने भी डॉग्स होते हैं अगर आप उनको हर साल रेबीज का वैक्सीनेशन ध्यान रख के रखवा लें तो आपको जो रेबीज इतना फैल रहा है उसकी प्रॉब्लम ही ना होती। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खाना खिलाते हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं हम स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं, कॉलोनी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो डॉग्स की केयर टेक करता है तो, पर वो वैक्सीन नहीं करवाते। तो हमारा मोटा यही है कि हम यहाँ पर आए हैं तो हम चाहते हैं कि लोगों को हम बताएं कि आप प्लीज़ उनको वैक्सीनेशन भी साथ साथ में कराएं। आपके पास कोई पेट है सर, मतलब डॉग वगैरह घर पे? कभी ऐसे एनिमल लवर है आप या कभी कोई डॉग रखा हो या आपके किसी रिलेटिव या किसी मिलने वाले के पास कोई डॉग हो? हम थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करें सर कि डॉग्स के लिए और अपने जो यहाँ पर इंसानों का जो अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे इंसानों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रेबीज वैक्सीनेशन लगता है। अगर किसको बाइट कर दिया, बाइट का इंसिडेंट होता है तो छुपाना नहीं चाहिए, क्या क्या है, छोटा सा स्क्रैच ही लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो जाके रिपोर्ट करना चाहिए और वहाँ पर जाके वैक्सीन भी लगवा लीजिए। पागल तो नहीं हो गया या उसकी डेथ तो नहीं हो गई, उसके बाद हम जाते हैं, पर 10 दिन तक बहुत लेट हो जाता है।
अनजाने में आपको अगर किसी स्ट्रीट डॉग ने काट लिया या किसी भी पेट डॉग ने भी काट लिया है, तो सबसे पहले जहाँ पर आपको डॉग ने काटा है वहाँ पर आप डिटर्जेंट सोप लगाएं और उसे अच्छे से वॉश करके उसे क्लीन करें घाव को, और फिर तुरंत अपने नियर बाय किसी भी हॉस्पिटल में जाएं और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगवाएं। इससे आप भी प्रोटेक्ट रहेंगे। उसके बाद आप जाकर उस डॉग के सिम्टम्स नोटिस करें। अगर आपको कुछ वो डॉग अनकंफर्टेबल दिखाई देता है तो तुरंत अपने नज़दीकी किसी पशु संस्थान या एनजीओ से संपर्क करें या किसी एनिमल लवर को संपर्क करें। थैंक यू।